सो हेलो गाइस, आप सबको स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो गाइस यहाँ पर सेटिंग में, यहाँ पर आप आओगे आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको, अरे भाई साहब, तो गाइस यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको जो यहाँ पर एक ऑटो पिकअप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर यदि आप ऑटो पिकअप में यदि यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर आप क्लिक करोगे, तो गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक डिफॉल्ट और एक यहाँ पर गाइस प्रायोरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर प्रायोरिटी में क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर आपको भाई फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब यार न्यू सेटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस सेटिंग का क्या काम है, आपको यहाँ पर क्या क्या करना है, किसको क्या रखना है, सब कुछ यार इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आपको भी नहीं पता है प्रायोरिटी सेटिंग के बारे में, इन सभी के बारे में कि क्या क्या करना है, इस सेटिंग में क्या होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ये वीडियो में आपको पूरा डिटेल से पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। लेकिन यार इससे पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑलवेज सेट कर देना, और भाई वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि यार उन्हें भी पता चल जाए। ओके तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइस यहाँ पर आपको एक क्लासिक मोड और यहाँ पर आपको टीम क्लैश मोड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर आपको दो टाइप के यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ दोस्तों इन दोनों में से आपको कुछ भी करना है आपकी मर्जी, तो यहाँ पर आपको दोनों में ही करना है, एक बात ऐसा बात नहीं कि आपको एक में करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लासिक और यहाँ पर टीम क्लैश मोड, ये दोनों एक ही है। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर भी आप सिलेक्ट करके रखना वो मतलब वही है, मतलब आपको दोनों में सिलेक्ट करके आपको ये मतलब यार सेटिंग है वो आपको कर लेना है। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर क्लासिक मोड यहाँ पर मैं आपको ये करके ही दिखा देता हूँ, बाकी वो भी आप कर लेना, सेम वही है, कोई भी यहाँ पर डिफरेंट नहीं है। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाता है, मैं यहाँ पर पहले आपको क्या करके एक बार रिसेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर अपना तरीका से यहाँ पर मैं ये किया हूँ, मतलब सेट किया हूँ। तो चलो अगर मैं आपको पहले बता ही देता हूँ उसके बाद ही रिसेट करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको मेडिकेट आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मेडिकेट है, उसके बाद गाइस यहाँ पर ग्रेनेड है, उसके बाद भाई साहब एमओ है, उसके बाद यहाँ पर वेपन है, उसके बाद एयर आर्मो एंड बैकपैक है। तो गाइस देखो यार इसका मतलब क्या है, अगर आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप मेडिकेट सेलेक्ट करके रखो, मतलब यार सबसे पहले यदि यहाँ पर मेडिकेट रहेगा तो गाइस क्या होगा कि आप जब भी आप यहाँ पर गेम खेलोगे और गेम खेलोगे तो आपके सामने क्या होगा कि आप मान के चलो यहाँ पर आपके सामने बहुत ज़्यादा लूट है, मतलब एक ही सामने आपको गन भी है और भाई बैकपैक का स्किन भी है और मेडिकेट भी है, मतलब सब कुछ एक जगह, मतलब एक ही जगह है। और अगर आप वहाँ पर जाओगे लूट करने के लिए तो देखो भाई ऑटो पिकअप जब लूट होगा तो उस समय आपको सबसे पहले कौन सा आइटम मतलब आपके पिकअप होना चाहिए। तो अगर गाइज आप यहाँ पर सबसे पहले मेडिकेट रखोगे तो गाइज अगर उसके सामने यहाँ पर गन भी है, मेडिकेट भी है, बैकपैक भी है, तो गाइज वहाँ पर सबसे पहले आपका मेडिकेट पिकअप होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यदि आपका यहाँ पर रहेगा मेडिकेट तो गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पर मेडिकेट यहाँ पर आपका पिकअप होगा। उसके बाद गाइज क्या होगा कि यदि वहाँ पर ग्रेनेड भी रहेगा तो गाइज ग्रेनेड पिकअप होगा। जी हाँ दोस्तों, और ग्रेनेड पिकअप होने के बाद आपको एमओ भी पिकअप होगा, और एमओ में गाइज यहाँ पर आपको कि कौन सा एमओ पिकअप हो वो भी आप यहाँ पर सेट करना चाहोगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर आप यहाँ पर एसएमजी एमओ को सबसे पहले यहाँ पर पिकअप करना चाहोगे तो आपको मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पर जो यहाँ पर आपको एक एरो आपको देखने को मिल रही है अप वाला, तो सीधे आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको क्लिक करना है तो ये सीधे ऊपर हो जाएगा। तो ये भी ए आर एमओ यहाँ पर ऊपर आ गया। तो इसी प्रकार से गाइज आपको क्या करना है कि आपको जो भी चीज़ आपको मतलब ऑटो पिकअप के द्वारा ऑटोमेटिक मतलब अगर पिकअप करना है तो यहाँ पर आपको सिंपल वहीं से मतलब यार जो सेटिंग है आपको सेट करके रखना है। जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देखो मेरा अभी सबसे पहले मेडिकेट है, तो साथ आप यहाँ पर गेम प्ले भी आपको मैंने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से यहाँ पर आपका पिकअप होगा। तो उसी प्रकार से गाइस यहाँ पर आपको पिकअप करना है, मतलब ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर रिसेट करके आपको दिखा देता हूँ, तो चलो एक बार रिसेट कर देता हूँ। तो गाइस देखो एक बार रिसेट करने के बाद गाइस यहाँ पर क्या आया कि यहाँ पर बीएफएन आया, उसके बाद एमओ आया, उसके बाद एयर एमओ एंड बैकपैक आया। तो गाइस ये जो सेटिंग है सेम ऐसा ही रहने दोगे तब भी मस्त है, क्योंकि यार देखो यार सबसे पहले तो आप यहाँ पर जैसे कि आप मतलब यार जैसे लैंड करोगे तो उस समय गाइस अगर आपके सामने यहाँ पर बहुत सारा आइटम है तो वहाँ पर आपको यार सबसे पहले तो आपको गन ही उठाना है, तभी जाके यार आप एनिमी को मारोगे। तो यार जैसा यहाँ पर पहले वेपन है तो ये वेपन ही रहने दो, उसके बाद भाई साहब यहाँ पर एमओ है तो एमओ भी रहने दो, उसके बाद बैकअप की जगह आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, हो सके आप मेडिकेट करो तो यहाँ पर मेडिकेट को सीधा आपको साइड में ये जो आप देख रहे हैं एरो के आइकन में, तो इसको आप क्लिक करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और यदि उसके साइड यहाँ पर एक और एक नीचे वाला एरो है तो इसको यार क्लिक करोगे तो ये फिर से नीचे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको करना है। और बात करके यहाँ पर जो ये सेटिंग है, जैसे कि यहाँ पर 5-6 पूरा, यहाँ पर आप 15 तक कर सकते हो, तो ये चीज़ आपका क्या है, तो देखो भाई साहब अगर आप यहाँ पर ऑटो पिकअप के द्वारा यदि आपके सामने 10 मेडिकट है और आप वहाँ पर जाके यदि बैठ देते हो तो वहाँ पर यदि आप यहाँ पर 2 करके रखोगे तो सिर्फ गाइस यहाँ पर 2 ही मेडिकेट मतलब यार पिकअप हो जाएगा, अगर 5 करोगे तो 5 मेडिकेट ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर 15 को रखोगे और आपके सामने 20 मेडिकेट है तो भाई ऑटोमेटिक 15 मेडिकेट पिकअप हो जाएगा। तो इसका
मतलब यार चीज़ यही है, आप ऐसे में सेट कर सकते हो यहाँ पर 8, 10, 15 जो भी आपको करना है। तो यहाँ पर मैं 4 रहने देता हूँ, तो ये 4 है गाइज। उसके बाद भाई सब यहाँ पर आ जाता है एमओ में। तो अगर आप यहाँ पर एमओ में क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ और भी देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख रहे गाइज ARMO, SMGMO, SGMO, Sniper MO। तो गाइज ये जितने भी एमओ है, तो ये भी मान के चलो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको मान के चलो भी मैं घटा देता हूँ, ये भी मतलब मिनिमम यहाँ पर 30, 30, 12, 10 होना चाहिए। तो गाइज अगर आपके सामने यहाँ पर ARMO यदि आपके सामने 100 है, मान के चलो 100 है, तो वहाँ पर यदि आप जाके भाई लूट करने जाते हो तो वहाँ पर आपका ऑटोमेटिक 30 MO मतलब यार पिकअप हो जाएगा। तो उसी प्रकार से गाइज आप यहाँ पर जो SMGMO आप देख रहे हैं, तो ये भी गाइज आपके सामने यदि 90 चाहे 100 जितना भी है SMGMO, तो वहाँ पर जाके यदि आप मतलब लूट करोगे तो आपका ऑटोमेटिक वहाँ पर 30 SMGMO पिकअप हो जाएगा। तो उसी प्रकार से गाइज यहाँ पर SGMO और Sniper MO भी उसी प्रकार से ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 10 Sniper रहता है, तो ये ऑटोमेटिक 10 यहाँ पर पिकअप हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर जितने भी आप सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 30 रखना चाहते हो, 120 रखना चाहते हो, 90 रखना चाहते हो, आप जितना चाहो उतना आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 120, और ये मिनिमम यार SGMO ये 60 कर देता हूँ, और Sniper MO कम से कम यार 20 कर देता हूँ इसको। तो इस प्रकार से गाइस आप यहां पर सेट कर सकते हो, आपका जितना मर्जी आप उतना कर सकते हो। तो ये चीज़ का यही खिलौना है, मतलब यार यही सेटिंग है, इस सब के बारे में कोई हार्ड सेटिंग नहीं है। शायद बहुत से बंदे को समझ में नहीं आता होगा, तो मुझे लगता है कि आपको यहां पर समझ आ चुका होगा। तो इसी प्रकार से गाइस आप यहां पर ये सब आप जितने भी सेटिंग है इसको आप यहां पर सेट कर सकते हो। जैसे कि यहां पर इवेंट वाला आइटम है, तो जैसे कि गाइस इवेंट में मतलब कोई भी ऐसा इवेंट आता है जहां पर गाइस हम लोग को गेम के अंदर टोकन कलेक्ट करने का जरूरत पड़ता है। जैसे दोस्तों जैसे ग्रीन अंडा, मतलब इसी प्रकार से अलग अलग यहाँ पर आइटम आता है जिसको हम लोग टोकन कलेक्ट करना पड़ता है गेम के अंदर, और उसके बदले हम लोग क्या एक्सचेंज करते हैं, तो मतलब कोई भी रिवॉर्ड हम लोग को मिल जाता है। तो सेम गाइज अगर आप यहाँ पर दीजिए इवेंट आइटम है, तो इसको यदि आप यहाँ पर ऑफ कर देते हो, जैसे कि यहाँ पर ऑफ करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको भाई साहब, यहाँ पर ऑफ करोगे तो जैसे कि इसको मैं ऑफ करता हूँ, फिर से इसको ऑफ करता हूँ, ओके तो और एक बार। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पर इवेंट आइटम यहाँ पर सबसे पहले आ चुका है। तो देखो भाई साहब, ये भी मान के चलो यहाँ पर कोई भी इवेंट आएगा, तो वहाँ पर गाइस हम लोगों को कुछ टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि किल करोगे तो आपको एक टोकन आपको मिलेगा। तो उस समय क्या होता है कि भाई साहब यदि इवेंट आइटम पूरा नीचे रहता है, और मान के चलो कोई आपके सामने कुछ एनिमी है, तो ऐसे में यदि आप भाई इवेंट मतलब यार जो टोकन है वो जल्दी आप कलेक्ट नहीं कर पाते हो, तो गाइस आपको क्या करना है कि आपको ये जो इवेंट आइटम है इसको गाइस सबसे ऊपर रख दो यार, सबसे ऊपर। उसके बाद आपको वेपन रखना है। अगर इवेंट आइटम रहेगा तभी ना आपका इवेंट आइटम उठेगा, तो ऐसा बार बार तो इवेंट आता नहीं है, तो इसलिए जब इवेंट आएगा तो उस समय आपको इवेंट आइटम को ऊपर कर देना है। तो जैसे ही कोई भी टोकन वगैरह रहेगा आपके सामने, तो पटाख से गाइस वो सबसे पहले आपका मतलब यार ऑटो पिकअप हो जाएगा, जिसके कारण गाइस आप यहाँ पर आइटम वगैरह को बिल्कुल भी आप यहाँ पर मिस नहीं कर सकते हो, और आप उसको एक्शन कर सकते हो। तो गाइस इसका बहुत ही बड़ा फायदा है, तो आप चाहे तो यार इसको कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ मैं यहाँ पर बता दिया हूँ प्रायोरिटी के बारे में, यहाँ पर पूरा सेटिंग के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, तो उसी प्रकार से आप भी यहाँ पर ये कर सकते हो टीम क्लैश मोड में, तो दोनों ये एक ही है, तो आप सेट करके रख लेना। तो यार वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑलवेज सेट कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों टेक केयर, बाय।